यह एडोटेक का हैंडल लॉक है जिसे हम फिंगरप्रिंट से, पासवर्ड से, RFID कार्ड से और चाबी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें चार मोड हैं इसको एक्सेस करने के। सबसे पहला है अगर हम फिंगरप्रिंट से इसको ओपन करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट से ओपन कर सकते हैं। दूसरा है हम इसे पासवर्ड से ऑपरेट कर सकते हैं। पासवर्ड से कैसे? और इसे हम RFID कार्ड यानी कि स्मार्ट कार्ड से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसको हम चाबी से ऑपरेट कर सकते हैं यानी कि मैनुअल की से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। चाबी के लिए यहां पर ये एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है जिसे आप इसको ऊपर उठा करके इसके अंदर आप चाबी को इंसर्ट करेंगे। ये चाबी इंसर्ट करके आपको इसे हल्का सा सिर्फ घुमाना है एक तरफ। ये आपने इसको घुमा दिया और इसके बाद आप हैंडल को प्रेस करेंगे तो ये गेट खुल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग कोशिश करते हैं कि इसको प्रेस करे करे इसी को धक्का मारते हैं चाबी को, तो ऐसा ना करें। चाबी को एक साइड घुमाने के बाद चाबी को आपने क्लॉकवाइज घुमाया और घुमाने के बाद आपको हैंडल को प्रेस करना पड़ेगा, हैंडल से इसको खोला जाएगा, इस तरीके से ये लॉक खुलेगा। तो ये चार मोड थे इसमें इसको ऑपरेट करने के। आगे ये वीडियो एक ट्यूटोरियल होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये लॉक परचेज किया हुआ है या फिर इस लॉक को परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें इसके अंदर किस तरीके से एडमिन सेट करने हैं और किस तरीके से हम यूजर ऐड करेंगे इसके अंदर, और कार्ड किस तरीके से, RFID कार्ड हम किस तरीके से इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो सभी चीजों की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वन बाय वन। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। अभी जो ये लॉक है ये बिल्कुल एकदम पीस नया ओपन करके यहाँ पर लगाया हुआ है, फैक्ट्री सेटिंग इसके अंदर हुई है। सबसे पहले हम लोगों को इसके अंदर एडमिन बनाना है। अगर एडमिन इसके अंदर ऐड नहीं होगा तो कोई भी यूजर अब इसके अंदर लॉक के अंदर ऐड नहीं हो पाएगा, कोई भी हम यूजर नहीं बना पाएंगे, कोई भी RFID कार्ड हम इसके अंदर ऐड नहीं कर पाएंगे। तो एडमिन सेट करने के लिए सिंपली हम लोगों को स्टार और हैश प्रेस करना है। तो ये एडमिन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जो कि अभी जो है वो फैक्ट्री सेटिंग इसके अंदर है, 1 2 3 4 5 6 देन हैश। नंबर वन पे है एडमिन सेटिंग। अगर हमें एडमिन सेटिंग करनी है, अगर हम नंबर टू प्रेस करते हैं यूजर बनाने की इसमें कोशिश करेंगे तो ये फेल हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसमें एडमिन सेट करना होगा जो कि वन नंबर प्रेस करने पे होगा। इसके अंदर कोई नेटवर्क सेटिंग नहीं है तो वन और टू हमारे काम का है, तो पहले नंबर ऐड करने के लिए है और सेकंड नंबर पे डिलीट करने के लिए है। तो ऐड एडमिन करने के लिए हमें सब ये वन नंबर प्रेस करना है। एडमिन इन्फॉर्मेशन में मैं अपनी ये फर्स्ट फिंगर लगाता हूँ। एडमिन इन्फॉर्मेशन में मैंने फर्स्ट फिंगर लगाई है। इस तरीके से करके आप इसमें पांच एडमिन बना सकते हैं, लेकिन अभी हम सेटिंग से बाहर आ जाते हैं। अभी हम लोग यूजर ऐड करेंगे इसके अंदर, यूजर हम बनाएंगे इस कार्ड को। इसके लिए हमें करना है सिंपली स्टार हैश। ये कार्ड इसके अंदर ऐड हो चुका है। ये हम लोगों ने फर्स्ट फिंगर जो थी वो हम लोगों ने एडमिन पे सेट किया था इसको। ये इसे अनलॉक हो रहा है। और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने किया है, मतलब हमने यूजर जो बनाया है इस कार्ड को बनाया है, ये कार्ड से अब ये लॉक खुल रहा है। अभी हम इसमें एक यूजर और ऐड कर लेते हैं। हम लोग एक यूजर और बनाते हैं, वो बनाते हैं पासवर्ड। और इसमें पासवर्ड रखते हैं 2 2 5 5 8 हैश। इसके अंदर हमारा 012 यानी कि 11 पे हमारा कार्ड ऐड हो गया है और 12 पे हमारा ये पासवर्ड ऐड हो गया है। हम इस पासवर्ड से भी अब ये लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब हम लोगों ने तीन इसके अंदर एंट्री करी है। नंबर वन पे ये फिंगर,
और नंबर टू पे कार्ड, स्मार्ट कार्ड, और नंबर थ्री पर हम लोगों ने पासवर्ड ऐड किया है। कार्ड और पासवर्ड हमारा जो है वो एज ए यूजर इसके अंदर ऐड किया गया है, और फिंगर की है हमने एज ए एडमिन। इस लॉक के बैक साइड में यहाँ पर एक लॉक और अनलॉक के लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है, ये डेड बोल्ट है। अगर हम इसको ऊपर कर देते हैं तो ये गेट लॉक हो चुका है। अब इसको सिर्फ एडमिन खोल पाएंगे, यूजर इस लॉक को नहीं खोल पाएगा। यानी कि जब आप रात के टाइम पे घर के अंदर हैं और आपने सर्वेंट को अपने कार्ड दिया हुआ है या फिर आपने किसी और को ऑथराइज कर रखा है घर में एंट्री के लिए, तो उस टाइम पे आपको ये बोल्ट लगा देना है, यानी कि ये यहाँ से बटन को ऊपर करके लॉक कर देना है, जिससे कि एडमिन के अलावा कोई और इसको गेट को नहीं खोल पाएगा। तो आइए करके देखते हैं इसको। अभी हम लोगों ने इसको डेड लॉक किया हुआ है, पीछे से लॉक किया हुआ है हमने इसको। अगर हम एडमिन के थ्रू खोलेंगे इस लॉक को तो ये खुल जाएगा, अगर हम यूजर के थ्रू खोलने की कोशिश करेंगे तो ये लॉक नहीं खुलेगा। आइए इसे यूजर ट्राई करते हैं। हमने इस कार्ड को एज ए यूजर ऐड किया था इसके अंदर। ये बोल रहा है कि गेट लॉक है। अभी हम पासवर्ड से इसको खोल करके देखते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि गेट लॉक है, नहीं खुल सकता ये। अभी हम इसको अगर एडमिन से, जो कि हमने अपनी फर्स्ट फिंगर एडमिन पे ऐड की हुई थी, उससे खोल के देखते हैं। तो ये गेट हमारा खुल गया। तो इस टाइम क्या हुआ है कि दो चीजें हुई है, गेट खुल भी गया है और दूसरा जो पीछे लॉक हम लोगों ने लगाया था वो लॉक ओपन भी हो गया है। अब इसको यूजर भी खोल पाएंगे। आइए कार से इसको खोल के देखते हैं। ये अब अनलॉक हो रहा है सभी के लिए। यानी को एडमिन को याद रखना होगा, अगर वो रात के टाइम पे एंटर कर रहा है घर के अंदर, तो उसे एंट्री करने के बाद पीछे से उसको लॉक दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन वीडियो। अगर इस लॉक को लेकर के किसी भी तरीके का कोई और सवाल आपके मन में है तो आप हमें बेझिझक होकर के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। बाकी फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर अपने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को हम कवर कर पाएं। थैंक यू।